चुनाव में सत्ता के खिलाफ लोगों के गुस्से का डर होता है, लेकिन लगता है कि मोदी का ऐसा जादू है कि उनकी नीतियों, वादों और कामों पर लोग फिदा हो जाते हैं। चार राज्यों में बीजेपी की सरकार थी और सभी जगह लोगों ने झोली भर भर कर कमल के लिए वोट किया। महिला शक्ति केंद्र योजना की लाभार्थी हो, सर आपने जो किया है ऐसा तो अभी कोई नहीं किया, बहुत सहयोग करते हैं बेटियों को, इससे हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोगों को बहुत सहयोग मिल रहा है। इसके अलावा और क्या चाहिए बेटियों को, बहुत हम लोगों का हिम्मत हुआ जो आगे हम लोग बढ़ा पाएंगे। इससे कुछ भी हो जाए बेटी को पढ़ाना चाहिए। पीएम से मुलाकात करने वाली दिव्यांग की एक माँ हो, एक देश के प्रधानमंत्री एक बच्चे से या एक देश के सामान्य नागरिक से जब इतना पूछते हैं, ऐसी बातें करते हैं, तो बड़ा गौरव का अनुभव होता है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां हमारे प्रधानमंत्री इतने हम्बल हैं, जो हर व्यक्ति से इतना जुड़े हुए हैं कि हमें लगता है कि वो हमारे साथ हैं हर वक्त। या फिर यूक्रेन से वापस लौटे बेटे को देख कर होती एक माँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देती हूँ जो हमारे बच्चे को यहाँ तक ले आए। मैं यही कहती हूँ कि हमारे पीएम मोदी हमेशा जीतते रहे, हमारे बच्चे को इसी तरह से रक्षा करते रहे। केंद्र की उज्ज्वला योजना या फिर सुकन्या समृद्धि योजना, उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना या फिर मिशन शक्ति योजना, यूपी से यूक्रेन तक स्त्री शक्ति का आशीर्वाद ही मोदी के मैजिक का सीक्रेट है जिसने जाति समीकरण के मिथक को तोड़ दिया। तभी तो जिस जाट वोटर को किसान आंदोलन की वजह से नाराज बताया जा रहा था, उनकी बहुतायत वाली सीटों पर कमल खिलने से गठबंधन नहीं रोक सका। फतेहपुर सीकरी, खैर, मथुरा, छाता, मांड, बलदेव, इकलास, बड़ौत और बुढ़ाना, इन सभी सीटों पर जाटों की आबादी 75,000 से 1,00,000 के करीब है। बावजूद इसके यहाँ पर बीजेपी जीती। इस सियासी चमत्कार की सबसे बड़ी वजह मोदी सरकार की वो कार्यशैली है जिसके केंद्र में कतार में आखिरी खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजना का फायदा पहुंचाना है, जिस पर प्रधानमंत्री खुद कड़ी नजर रखते हैं। सरकार की इस तरह की योजनाओं के लाभार्थियों से जुड़े वीडियो को देखकर ही पता चलता है कि डिलीवरी को लेकर पीएम कितने चिंतित रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर जी, आपके वजह से हम लोग का घर बन गया और हम लोग अच्छे। पहले कहाँ रहते थे? पहले जी मट्टी का कच्चा मकान था। हाँ, और अभी पक्का घर हो गया? हाँ, पक्का घर हो गया। कितना समय हुआ? एक साल हो गया। एक साल हो गया, एक साल पूरा हो गया। बच्चों को अच्छा लगता? हाँ, है बच्चों को अच्छा लगता है सर। नहीं पानी बरसता था तो बहुत उसमें पानी गिरता था, इधर बिस्तरा बिस्तरा था, उधर बिस्तरा था, और अब हम लोग को कोई टेंशन नहीं। किसी को पैसा देना पड़ा था? नहीं नहीं, किसी को पैसा देना, रिश्वत नहीं देनी पड़ी? नहीं 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 सर, किसी की सिफारिश लगानी पड़ी सर? नहीं, हम लोग खुद। किसी को ये कहना पड़ा मैं ये जात वाला हूँ, मैं वो जात वाला हूँ? मेरा जात होगा तो पैसा मिलेगा, वो जात होगा तो नहीं मिलेगा? नहीं नहीं सर, ये जात पात की कोई भेदभाव नहीं रहती है सर, सब अच्छे अच्छे से हम लोग को मिल गया। और इतना हम थोड़ा ये टेंशन हमको ये फ्री हो गए। कहीं हिंदू मुसलमान का भेद करते हैं क्या? नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई भेद नहीं करते, कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति का भेद करते हैं क्या? अगड़े हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, ऐसा करते हैं क्या? नहीं सर, पहले की अपेक्षा बहुत ही अच्छा हो गया, कोई जात पात की भेदभाव होती है, हम लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं सर, और काम भी अच्छे से करते हैं। नहीं, सरकार के पैसे भी भेदभाव के बिना मिलते हैं? नहीं सर, भेदभाव की तरफ नहीं। पक्का? पक्का सर, पक्का। अच्छा, तो सवाल यह है कि देश की महिलाएं ऐसा क्यों मानती हैं कि मोदी जैसा न पहले कोई आया और न कोई आएगा? इसकी सबसे बड़ी वजह है पीएम ने मिर्जापुर की अपनी रैली में बताया। आपको मालूम है पहले ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हो गए, वो खुलेआम स्वीकार करते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, गांव में जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। भाइयों बहनों, ये मोदी और योगी है, रुपया दिल्ली से निकलता है, 100 के 100 पैसे आखिरी जगह तक पहुंचते हैं। भाई 1985 की बात है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी उड़ीसा के सूखा प्रभावित कालाहांडी जिले के दौरे पर गए थे। उन्होंने कहा सरकार जब भी 1 रुपया खर्च करती है तो लोगों तक 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। यहाँ राजीव गांधी बीच के भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहे थे। अपने उस भाषण में राजीव गांधी ने कहा था कि देश में बहुत भ्रष्टाचार है। राजीव ने कहा था कि भ्रष्टाचार ग्रास रूट लेवल पर है, जिसे दिल्ली से बैठकर
दूर नहीं किया जा सकता। लेकिन मोदी सरकार का दावा है कि उसकी हर योजना का सीधा लाभ सिर्फ और सिर्फ उसके हकदार को मिल रहा है, जिसने देश के सियासी समीकरणों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है। दिल्ली के सत्ता के जिन गलियारों में ज्यादातर समय अमीरों और परिवारवादियों का कब्जा रहा, वहां आज आप सबने एक गरीब मां के बेटे को आपकी सेवा के लिए बिठाया है। उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन और सीधे महिलाओं के बैंक खातों में नकद राशि पहुंचने से बीजेपी की पकड़ देश की आधी आबादी पर मजबूत हो गई है। साथ ही शौचालय योजना ने महिलाओं में एक खास संदेश दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी यूपी में ही सबसे ज्यादा परिवारों को मिला। आंकड़ों की माने तो 45 लाख लोगों को अपना घर मिला। घर घर बिजली योजना के तहत यूपी में 1,41,00,000 घरों तक बिजली पहुंचाई गई। ऐसी योजनाएं महिलाओं को सीधे सरकार से जोड़ती हैं। केंद्र और योगी सरकार मिलकर यूपी में करीब 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त डबल राशन दे रही है, जिसने बीजेपी को महिलाओं की पहली पसंद बना दिया। सर, मैं अपनी दो बेटियों को सर पढ़ा रही हूँ। सर, आप लोगों की वजह से बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ और अच्छे से पढ़े। जो आज मैंने दिन देखे, इतने बुरे मैंने सर दिन देखे और कुछ नहीं।